उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी 5 लाख के इनामी बमबाज गुड्डू मुस्लिम की चकिया स्थित सील किया हुआ चिकन शॉप दोबारा खुलने के मामले में प्रयागराज विकास प्राधिकरण सचिव अजीत सिंह ने जांच कमेटी गठित कर दी है। सचिव ने फिलहाल उसकी दुकान को फिर सील करा दिया है। ये दुकान किसके इशारे पर खोली गई, यह अहम प्रश्न बना हुआ है, जो जांच के बाद ही मामला खुलेगा। उल्लेखनीय है कि उमेश पाल की हत्या के बाद पुलिस ने चकिया स्थित उसके मकान और चिकन शॉप को सील कर दिया था। 2 दिन पूर्व चिकन शॉप खुल गई। यहां पर चिकन और मटन की बिक्री भी की जाने लगी। इसकी भनक लगने पर पीडीए की टीम ने फिर उसके दुकान को सील कर दिया। 5 लाख के इनामी गुड्डू मुस्लिम का मकान और चिकन शॉप चकिया में माफिया अतीक अहमद के दफ्तर से थोड़ी दूरी पर है। उमेश पाल की हत्या के बाद गुड्डू मुस्लिम फरार हो गया है। पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। पीडीए सचिव द्वारा जांच कमेटी कुछ दिनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।